तो अभी हम हैं सुल्तानपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज के बाईपास पे हैं, और ये बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी है और भैया लोग इधर आ गए हैं, सब लोग देख रहे हैं बाइक को इधर, और कुछ बातचीत हो रही है हमारी आपस में। अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र भाई जी। और भाई साहब? रमेश भाई हैं। और इधर राम नरेश। राम नरेश भाई, आप लोग क्या करते हैं, रहते हैं? अच्छा, कलेक्ट्रेट में अकाउंट करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आगे की वीडियो के साथ बने रहिए, कुछ हम आपको प्रयागराज का भी वीडियो दिखाएंगे। आज पूरे दिन भर प्रयागराज में ही रहेंगे। अभी हम हैं प्रतापगढ़ में और घंटाघर के पास में ही है। यहाँ देखा कि खूब भयंकर भीड़ लगी हुई है खाने की, पूड़ी और छोला, तो हमने कहा कि लगे हाथ हम भी खा लेते हैं पूड़ियाँ। और ये रही पूड़ी और छोले, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। जर्नी तो यूँ जारी रहेगी, लेकिन जब पेट में कुछ रहेगा तभी मशीन चलेगी आगे। अच्छा बना, बढ़िया। तो एक्चुअल में ये प्रतापगढ़ का घंटाघर वाला इलाका है, एरिया है, पीछे घंटाघर दिखाई दे रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। प्रतापगढ़ काफ़ी पुराना शहर भी है, तो अक्सर भूख लगती है तो मैं वहीं खाता हूँ जहाँ पे भीड़ लगी हो, और एक्चुअल में कुछ न कुछ स्पेशल मिल ही जाता है। तो इस जगह पर कम से कम 8-10 लोग इकट्ठा खा रहे हैं, भीड़ भाड़ लगी है। तो बढ़िया कचौड़ी और छोले, बढ़िया मज़ा आ गया। अब चलते हैं प्रयागराज की ओर, प्रयागराज की धरती में देखते हैं क्या क्या मिलता है। अभी प्रतापगढ़ से जस्ट निकले ही हैं कि 2-4 किलोमीटर आए पीछे क्रॉसिंग थी, वहाँ भी भयंकर जाम लगा हुआ था, और अभी टोल वाले रोड पे आ गए, यहाँ पे भी भयंकर जाम लगा हुआ है। अब 4 लेन बनने के बाद भी बहुत ही बुरा हाल है भाई, मतलब चारों ओर जाम ही जाम लगा हुआ है। देखो आप पीछे एकदम पूरा लाइन लगी हुई है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ सारा जाम का एरिया। इतना जाम क्यों लग रहा भाई साहब? वहाँ तो क्रॉसिंग पे है एक, हाँ ट्रैक खराब है वहाँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं तेलियरगंज, और पुराना वो दिन याद आ गया हमें, आज के कम से कम समझिए कि 21 साल पुराना दिन हमें याद आ रहा है। इस जगह को छोड़े मतलब करीब 18-20 साल हो गया, और काफ़ी कुछ बदल चुका है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद तो क्या प्रयागराज बोलेंगे, और हम हैं तेलियरगंज चौराहे पे हैं, और ये जगह काफ़ी मतलब मानी जानी है, और फाफा मऊ जाने के लिए कभी अक्सर हम यहाँ आया करते थे, ट्रेन वगैरह पकड़ते थे यहाँ से फाफा मऊ से। और वैसे भी यहाँ एक सिनेमा होता था टॉकीज, पता नहीं अब बंद हो गया, चलता है क्यों नहीं चलता है। उस टॉकीज में हम लोग कभी कभी मूवी भी देख लिया करते थे संडे वगैरह को। तो ये रहा कुछ ऐसा हिसाब किताब यहाँ का, एक बार चौराहे का एक दिखाता हूँ आपको। यही तेलियरगंज चौराहे पर रुके थे थोड़ा बातचीत करने के लिए, और भैया लोग मिल गए, हमारे ज़िले के ही हैं भाई साहब, बसखारी से हैं, और आप जो है जहांगीरगंज से हैं, सुकुल बाज़ार से हैं भैया, देवरिया से, बीआरडी पीजी से हम पढ़े हैं। आप भैया बनारस से हैं, तो ये सारे लोग मिल गए हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग जल्दी ही अपने जीवन में सफल होंगे और जल्दी ही नौकरी में आएंगे, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। तो अभी चलते हैं सिविल लाइन में, थोड़ा बहुत काम जो सरकारी ऑफिशियल काम है उसको निपटाएंगे, और आज पूरा दिन इलाहाबाद प्रयागराज के नाम रहेगा। तो भैया लोगों से मिल करके बड़ा अच्छा लगा, और ये लोगों ने चैनल को शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा, देख रहे थे ढूंढ रहे थे। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर आगे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अभी हम हैं प्रयाग संगीत समिति के सामने ही यहाँ पे खड़े हैं,
और थोड़ा सा पेड़ की छाया मिल रही है, और गर्मी तो बहुत ही अपार हो रही है। जितने भी संगीतज्ञ भाई लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं प्रयाग संगीत समिति में ही। तो ये इलाहाबाद का संगीत से रिलेटेड एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे इंडिया में इसका नाम है, और यहाँ के पढ़े हुए छात्र अपने देश ही नहीं विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और प्रयाग संगीत समिति का भी नाम रोशन कर रहे हैं इलाहाबाद का। तो यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला, और हर एक चीज़ से मेरी जो यादें हैं वो दिल जुड़ा हुआ है, और सोच रहा हूँ कि मैं उस हर एक जगह पे जाऊँ और एक छोटी छोटी क्लिपिंग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि कैसे हम यहाँ पे रहते थे, कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे और किस तरह का माहौल हुआ करता था। तो अब वो स्थिति आ गई है कि अभी इलाहाबाद में है तो मौका भी है और टाइम भी है, तो चलिए चलते हैं और छोटे छोटे जो है वीडियो क्लिपिंग बनाते हैं कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे। हालांकि कमरे बहुत हमने इलाहाबाद में छोड़े रहे, कई जगह चेंज किया कमरा, लेकिन देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं और कहीं भूल ना जाए, ये भी एक समस्या है। क्योंकि पहले के आज के 20 साल पहले जो इलाहाबाद था वो ऐसा प्रयागराज हो गया है, तो अब प्रयागराज में पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। चलिए फिर भी देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं और वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो अभी हम हैं प्रयाग संगीत समिति के सामने, और देखिए किससे मुलाकात हो गई। क्या सभी को नमस्कार, दुर्गा प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद जिससे मुलाकात हो गई, और इनसे मैं सुपर टेट कोचिंग करने आए थे। हाँ अच्छा, सुपर टेट वाली कोचिंग करने आए हैं। तो भैया आए हैं सुपर टेट की कोचिंग करने, और करीब मेरा 20 साल पुराना प्रयागराज से नाता रहा है, और यहीं से मेरी कर्मस्थली रही है पढ़ाई की, स्टडी की, और चाँदपुर, सलोरी, शुक्ला मार्केट, वो सारी जगह मुझे पूरा याद है। अब दोबारा कभी ऑफिशियल काम से आ जाए हुए तो हमने सोचा कि वो सारी चीज़ें यादें कर लेते हैं। भैया से हमने पूछा कि ज़रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रास्ता बता दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। तो ऐसे बाती बातों में मुलाकात हो गई, और ये बताने लगे कि आप यूट्यूबर हैं, तो चलिए बातचीत। आपका पुनः इलाहाबाद में स्वागत है अपने छोटे भाई के। ये रहा हमारे पीछे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, और कभी इलाहाबाद पढ़ते हुए मन से उब जाते थे तो हम लोग इसी पार्क में आकर के घूमते थे, और अंदर ही मेमोरियल भी बना हुआ है और पुरानी सारी चीज़ें, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पिस्टल है वो भी अंदर रखी हुई, हमने वो सारी देखी हुई है। तो बहुत सारी यादों की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और कभी कभी हम लोग किताबें आकर के लेके आते थे और इसी में अंदर पढ़ते थे, क्योंकि 10 बजे से लेके 2 बजे तक लाइट नहीं रहा करती थी चाँदपुर सलोरी शुक्ला मार्केट में। तो आज पता नहीं क्या हालात है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी उस एरिया में जा कर देखता हूँ। ये हमारे पीछे रहा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, और अगर मन उब जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी ज़्यादा थकान हो जाती है या थोड़ा सा घूमने का मन होता है, तो हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आकर के घूमा करते थे। तो ये भी यादें धीरे धीरे ताज़ा हो रही हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद हाथी पार्क लेफ्ट साइड में अगले चौराहे पे। चलिए आगे चलते हैं। ये पीछे रहा सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान रहा, और पुराने नाम से हम लोग हाथी पार्क के नाम से जानते थे, और इसमें 2-3 हाथी बनी हुई है, और अंदर जा करके घुस के उसके सूंड में से निकलते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो कभी आप भी आए होंगे हाथी पार्क में, और यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उसका एंजॉय किया होगा। ये जस्ट बगल में हिंदू छात्रावास है, और चलते हैं हिंदू छात्रावास में, देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है अभी हिंदू छात्रावास में। ये जगह आपको याद आ रही है, यह है हिंदू छात्रावास इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अभी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है, और जब हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हुआ करता था किसी समय में, और बोर्ड जो है झाड़ियों से ढक गया है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, और ये चौराहा रहा, और हिंदू छात्रावास इधर, और इधर रही साइंस फैकल्टी, और इधर हाथी पार्क, इधर आज़ाद पार्क। काफ़ी पुराना इतिहास है, हम लोग जो है कभी 20 साल 22 साल पहले यहाँ रहा करते थे।
अभी हम हैं हिंदू छात्रावास में और अंदर, क्योंकि कोरोना की वजह स्टूडेंट वगैरह तो रह नहीं रहे हैं, तो आप भी कभी रहे होंगे इन कमरों में। और ये रहा कार्यालय हिंदू छात्रावास का इधर, और ये सब कमरे पीछे रहे हमारे, और ये मैदान रहा, कभी यहाँ पे पीएसी की गाड़ियाँ लगा रहा करती थी, तो अब तो बिल्कुल एकदम वीरान हो गया, काफ़ी पुराना हो गया है और जर्जर भी हो गया है। तो अगर आपको अपने कमरे याद हों किस कमरे में आप रहे हैं, ये सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पे पीछे और इधर पीछे इधर, और इधर ये टीवी वाला रूम जो कॉमन रूम हुआ करता था ऊपर, तो इस तरह से ये बना हुआ है। और अब तो फिलहाल कोरोना की वजह से सब कुछ एकदम ऐसे पड़ा हुआ है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बगल में है, और पीछे मनमोहन पार्क वाला चौराहा है, और ये पीछे बन रहे हैं तख्ते और कुर्सी मेज। जो स्टूडेंट इलाहाबाद पहली बार आता है वो सबसे पहले इसकी व्यवस्था करता है, सोने के लिए चाहिए एक तख्ता चाहिए, और पढ़ने के लिए कुर्सी और मेज चाहिए लकड़ी की। तो ये भाई लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और इसी के जस्ट थोड़ा आगे जो है साइंस फैकल्टी है। हालांकि साइंस फैकल्टी में हमारा जाना आना बहुत कम रहा है, लेकिन उसमें कंप्यूटर विभाग में हमने जो है एक बेसिक वाला कोर्स किया था कंप्यूटर वाला। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और उसके गेट पर चलते हैं। तो हमारे पीछे रहा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो है साइंस फैकल्टी वाला गेट, और कभी कभार हम लोग इस यूनिवर्सिटी के गेट में जाया करते थे। तो यहाँ पे केवल कंप्यूटर की क्लासेस हमने की थी, और आज के करीब 21 साल पहले 21 ईयर पहले इसमें केवल कंप्यूटर का एक हमने बेसिक कोर्स किया था, और उसकी जो डिपार्टमेंट था उसी साइंस फैकल्टी के अंदर था, और यहाँ से हम लोग किताबें उताबें ले लिया करते थे। तो अभी आगे और भी सारी यूनिवर्सिटी रोड की सारी दुकानें हैं, और जो कॉपियाँ हैं वो किलो के भाव में मिलती थी। ये यूनिवर्सिटी रोड का चौराहा, और ढेर सारी कॉपी किताबों की लाइन लगी है यहाँ पे, कॉपियों की लाइन लगी, और आज भी किलो के भाव ही मिल रही हैं। एक आध लोगों से हमने पूछा तो पता नहीं, वो नाराज होकर मुंह बना दिए, पता नहीं जैसे लग रहा हमने क्या पूछा। मैंने ही पूछा कि आज भी किलो के भाव बिकती हैं क्या, तो शायद उनको नहीं पता था, और कुछ क्या पता कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो आज भी, लेकिन उस समय 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो रफ वाली, 15 रुपये किलो, मतलब 25 रुपये, 20-25 रुपये किलो तो बढ़िया कॉपियाँ मिल जाया करते थे। तो ये सारी दुकानें हैं भाई साहब हमारे, अभी पूछ रहे यूट्यूबर हैं क्या। तो करीब 21 साल पहले हमने यहाँ पे पढ़ाई की है, और आज अभी जॉब में है, यहाँ आने का मौका मिला तो हमने कहा चलिए पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तो अभी कॉपियों की दुकानें बहुत ढेर सारी हो गई, उस समय इतनी नहीं रहा करती थी, कम होती थी। और ये बीच में डिवाइडर नहीं था, ये जो सड़क में बीच में डिवाइडर बना है ये डिवाइडर नहीं था, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और बीच में लाइट वगैरह लग गई है, पेड़ तो वही है सारे, और पुराना पेड़ खड़ा हुआ है वो पुराना, हाँ पीछे जो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं पाकड़ का पेड़ है ना, क्यों भैया किस चीज़ का पेड़ है वो? पाकड़ का पेड़ है, और इतनी भयंकर गर्मी पड़ती थी उसी के नीचे आराम मिलता था उस पेड़ के नीचे। एक गिर गया तो एक इस बगल था ना, उसी पट्टी पे था। अच्छा उसी पट्टी पे था, प्रयाग पुस्तक भवन के आसपास था, हाँ हाँ भार्गव वाले के यहाँ था। अभी जो है गिर गया बता रहे भैया, लेकिन एक अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बचा हुआ है। ये सब छोटे छोटे हुआ करते थे, जो अभी ये छोटे छोटे दिख रहे इधर वाले। चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, ये रहा हमारे पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है, और हमने यहाँ पे 99 से लेकर के 2004 तक 99 में एडमिशन लिया था, 2002 में बीए हो गया था, और 2002 में ही एमए एडमिशन हो गया था, 2004 में कंप्लीट हो गया था। फिर 2004 में बीएड करने के लिए हम चले गए थे, देवरिया चले गए थे। ये यूनिवर्सिटी रही भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप लोग भी इसमें बहुत सारे लोग जो है यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, और काफ़ी मज़ेदार कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, और इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, अंग्रेज़ों के ज़माने की यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई है। अभी भी स्टूडेंट बहुत सस्ते में, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इलाहाबाद का जो है सबसे सस्ते में आप पढ़ाई कर सकते हैं।
यहाँ पे खर्चा कम आता है, बजट चीज़ें सस्ती हैं, बजट भी कम आता है। तो हमारे पीछे है यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का और इलाहाबाद एलनगंज में। और एक बार केवल मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, वो भी 2005 में, तो हुआ नहीं था उस समय, सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो हालांकि उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो एक बार इंटरव्यू देने का मौका मिला है, उसके बाद फिर मतलब यहाँ ना एग्ज़ाम देने की नौबत आई ना तो यहाँ आने का मौका मिला। हालांकि उस वाले सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2005 का जो पीजीटी का था, प्रवक्ता वाला, बिना बीएड वाला था, हालांकि बिना बीएड और बिना बीएड के भी हो सकता था, तो हालांकि बाद में बीएड कर सकते थे, तो उस वाले मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो बाद में तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। तो ये एक बार यहाँ पे आने का मौका ज़रूर मिला था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ऑफिस में आए होंगे और इंटरव्यू वगैरह दिया होगा। और उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो चयन होता है वो यहीं से होता है, इसी जगह से, इलाहाबाद से होता है। ये आता है एलनगंज प्रयागराज में। ये पीछे रही बहादुर टी स्टॉल, और कभी 22 साल पहले हम यहाँ बैठा करते थे। तो 99 से लेकर के 2006 तक अक्सर हम यहाँ पे इसी दुकान पे आया करते थे और कहीं नहीं जाया करते थे।